अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लाया हूँ। तो एक कन्फ्यूजन जो है हमारे नीट के एस्पिरेंट जो थे उनमें कन्फ्यूजन थी कि जो हमारे नए कॉलेजेस हैं GMC उधमपुर एंड GMC हिंदवाड़ा, ये जो दो कॉलेजेस हैं ये इस बार फंक्शनल होंगे, इस बार इनमें फर्स्ट बैच होगा कि नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखा के जो है आपको बताऊंगा कि उनका स्टेटस क्या है, उनको जो है परमिशन मिली है कि नहीं मिली है। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। उसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस हैं 2022 से ये जो है ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में जितनी सीट्स जाती हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो MCC के थ्रू होती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि नेशनल लेवल पर जो है 15% जितने भी काउंसलिंग होती है 15% सीट्स की पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी जो 15% सीट्स हैं वो MCC के अंडर होती हैं और उनकी काउंसलिंग जो है MCC कराती है। उसके बाद जो 85% रहती है वो स्टेट का जो काउंसलिंग बोर्ड होता है उनके अंडर होती है और 85% काउंसलिंग बोर्ड के अंडर जो है उनकी काउंसलिंग होती है। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो काउंसलिंग बोर्ड है वो JKBOPE है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और आप सब ने जिन्होंने भी नीट क्लियर किया है और जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो JKBOPE के साइट पर की होगी। तो यहाँ पर मैं सीट मैट्रिक्स आपको दिखाना चाहूँगा। जो सीट मैट्रिक्स 2023 के लिए जो ऑल इंडिया कोटा में जम्मू कश्मीर से चले गए हैं तो उनकी जो सीट्स हैं उनका नंबर जो है यहाँ पर आप अगर आप चेक करें इस PDF में पूरा मेंशन्ड है। ये फाइनल ऑल इंडिया कोटा सीट मैट्रिक्स पर UG 2023 MBBS BDS। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे जो जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं उनका नाम अगर आप इस PDF में सर्च करते हैं, जैसे कि मैं GMC जम्मू यहाँ सर्च कर लेता हूँ, तो GMC जम्मू यहाँ पर आप देख सकते हैं MBBS की जो MBBS प्रोग्राम के लिए GMC जम्मू में 27 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है। उसमें जो है फिर ब्रेकअप भी है, आप इसमें देख सकते हैं ओपन में 11 सीट्स हैं, उसके बाद जनरल EWS में 3 सीट्स हैं। इस तरीके से जो है 27 सीट्स जो हैं वो जम्मू GMC जम्मू की जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चली गई हैं। उसके बाद अगर आप श्रीनगर कॉलेज जहाँ पर आप GMC श्रीनगर सर्च करेंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, GMC डोडा, GMC रजौरी, GMC कुठवा और GMC अनंतनाग जो है ये आपको सारे कॉलेजेस इसमें मिल जाएंगे। तो 2022 तक जो है हमारे पास 8 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन ऑल इंडिया कोटा का अगर आप सीट मैट्रिक्स आपने चेक किया होगा इसमें जो है इस बार जो है GMC उधमपुर भी यहाँ पर ऐड किया गया है। इसका मतलब मैं पहले आपको बता दूँ सर्च करके, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं GMC हिंदवाड़ा सर्च करते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंदवाड़ा MBBS और इसमें जो है टोटल 15 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चली गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस बार जो है दो कॉलेजेस हमारे ऐड हो चुके हैं, उसमें जो है टोटल 100 सीट्स थी लेकिन उनका भी जो है ऑल इंडिया कोटा में जो है 15% चला गया है, लेकिन 85% उनकी सीट जो है वो JKBOPE के अंडर उनकी काउंसलिंग होगी। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट था। अब हमारे पास जो है जम्मू कश्मीर में 1300 सीट्स हैं, उनका जो 15% आप उसका माइनस कर सकते हैं वो जो है ऑल इंडिया कोटा में चली गई हैं, और बाकी जो सीट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो नेशनल मेडिकल कमीशन की जो साइट है वहाँ पर मैंने जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं उनका जो है नाम यहाँ पर सर्च किया, उनकी लिस्ट जो है यहाँ पर मैंने सर्च की। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है जो SCOM प्राइवेट कॉलेज जो जम्मू में है उसमें जो है 100 सीट्स हैं लेकिन इसका जो 15% है मींस कि 15 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में है। उसके अलावा जो एम्स है, एम्स की तो पूरी काउंसलिंग MCC के अंडर होती है, इसका स्टेट में कोई काम नहीं होता है, स्टेट बोर्ड का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर GMC मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, यहाँ पर 100 सीट्स हैं लेकिन स्टेट काउंसलिंग जो है 85 सीट्स पर होगी, 15 सीट जो है इसकी ऑल इंडिया कोटा में है। उसके बाद GMC बारामूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 100 सीट दिखाई गई हैं लेकिन 85 सीट जो है वो स्टेट काउंसलिंग के रहेंगी, बाकी 15 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में।
सेम यहाँ पर जीएमसी हिंदवाड़ा आप देख सकते हैं 100 सीट, जीएमसी जम्मू यहाँ पर 180 सीट्स, तो 27 सीट्स जो कि 15% बनता है, तो 180 सीट्स में से 27 सीट आप माइनस करें, बाकी जो भी बचता है वो स्टेट काउंसलिंग, उन पर स्टेट काउंसलिंग होगी। मेडिकल कॉलेज कुठवा यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 सीट्स हैं, लेकिन 85 सीट स्टेट बोर्ड स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के लिए अवेलेबल हैं। रजौरी में भी 100 हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 सीट्स जो हैं यहाँ पर भी ऑल इंडिया कोटा में हैं। जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी उधमपुर, मैन जो मकसद था इस वीडियो का, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि इस बार जो है दो कॉलेजेस हमारे नए ऐड हो चुके हैं, सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से जो है कट ऑफ में भी थोड़ी रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार का जो कट ऑफ था वो 8 कॉलेजेस के बेसिस पर था, लेकिन इस बार जो हमारे पास 2 कॉलेजेस नए ऐड हो चुके हैं, उनमें भी आपको कैटेगरी ब्रेकअप आपने देखना होगा, वो फ़िलहाल आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे जब जेके बोपी अपना सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज़ कर देगी, हम ज़रूर वो भी अपने वीडियो में उसकी डिस्कशन करेंगे और फिर आप तक वो वीडियो पहुँचाएँगे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, स्टेट काउंसलिंग जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो चुकी है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो कल उसकी लास्ट डेट है, 23 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, तो अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन आप जेके बोपी की साइट पर कर लें, जो भी जिसने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बाकी जो कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स होगा वो आपके साथ जो है वो आगे आने वाले दिनों में हम शेयर कर देंगे ऑफिशियली, अगर जेके बोपी रिलीज़ जिस दिन भी रिलीज़ कर देगी उसी दिन हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।